Yeah, hello friends, so this is Rakesh from Xamnation. So, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट न्यूज का रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर जो हमने रिसेंटली देखी है. एक तो ये है कि मतलब अभी एक भी न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि सभी टेलीकॉम कंपनीज जो मिस कॉल जो ड्यूरेशन होती है वो 40 सेकंड से कम करके 25 सेकंड्स कर रही है. और सेकेंड न्यूज़ थी कि जिसमें जियो जो कि सबसे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसने IUC चार्जेस हैं वो यूज़र पर लगाए हैं अराउंड 6 पैसे पर मिनट. तो अभी हम देखते हैं कि इस सबके पीछे क्या चीज़ हो रही है, मतलब इन टेलीकॉम सेक्टर में क्या चीज़ चल रहा है जो कि ये चीज़ करने की जरूरत पड़ी. तो सबसे पहले हम पहले देखते हैं कि ये IUC चार्जेस होते क्या हैं. तो IUC मतलब इंटर कनेक्शन यूसेज चार्जेस. तो बेसिकली जब भी आप कॉल करते हैं किसी को तो आपका आप जैसे किसी के नंबर दबाया तो आपके जो टेलीकॉम जो ऑपरेटर होता है वो आपका जो कॉल है वो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क में भेजता है और फिर वो टेलीकॉम नेटवर्क जो आपका जो जिसको रिसीवर होता है उसको कॉल फॉरवर्ड करता है. तो बेसिकली ये जो कॉल जो है दो नेटवर्क के बीच में पास हो रहा है तो यहाँ पर एक मतलब ट्राइन है एक चार्जेस लगाए हुए हैं जो कि मतलब अभी करंटली 14 पैसा पर मिनट है. तो इस ट्राई का मानना ये है कि क्योंकि मतलब जो रिसीवर एंड है उसने अपनी अपनी तरफ से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया हुआ है और ताकि मतलब जो कॉल है वो मतलब इंडिया में मतलब हर जगह पहुंच सके. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेलीकॉम टावर्स पे मतलब इस सभी चीज़ों पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है. इसलिए जो सेंडर है जो कॉल का जो ओरिजिनेटर है ही शुड पे सम मनी टू द रिसीवर मतलब रिसीवर नेटवर्क. ठीक है, तो 2014 से पहले ये 50 पैसा पर मिनट था फॉर डोमेस्टिक कॉल्स. और 14 के बाद मतलब जब रिलायंस के जियो के आने मतलब के अराउंड ये 14 पैसा पर मिनट हो गया. तो इसका अगर ये चार्ज बढ़ा हुआ था क्योंकि मतलब जो पुराने एंट्रेंट थे फॉर एग्जांपल एयरटेल वोडाफोन तो वो ऑलरेडी उनका एक एस्टैब्लिश नेटवर्क मतलब नेटवर्क था इंफ्रास्ट्रक्चर था. तो जो नया एंट्रेंट था जैसे रिलायंस जियो तो उसको मतलब जैसे जब वो आया तो उसको काफ़ी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी थी राइट. और अभी भी उसको काफ़ी कॉस्ट करनी पड़ रही है क्योंकि मतलब मतलब ऑल्दो ही इज़ अ नंबर वन बट अभी भी काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अदर नेटवर्क में हैं. तो इसलिए मतलब ये चार्जेस लगाए जाते हैं. तो रिलायंस जियो जैसे एक नया एंट्रेंट है और उसने इस मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी डिसरप्शन लेके आया है पर उसका कारण उसको काफ़ी लॉसेज भी सहने पड़ रहे हैं. जैसे उसका मतलब जो फिजिकल ईयर 19 में उसका प्रोजेक्शन है कि उसका एनुअल जो लॉस होगा सो दैट विल बी रफली 15,000 करोड़. दैट मीन उसको डेली उसका 41 करोड़ अप्रॉक्सीमेट उसका लॉस जा रहा है. तो IUC चार्जेस होते हैं वो एक बल्क पोर्शन होता है मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मतलब कॉस्ट का. तो मतलब ये अभी देखा गया है कि मतलब पर डे मतलब अराउंड 25-30 करोड़ लोग जो हैं अदर नेटवर्क से रिलायंस के नेटवर्क में मिस कॉल मारते हैं क्योंकि रिलायंस की कॉल्स फ्री हैं, रिलायंस डेटा चार्ज कर रहा है तो लोग और नेटवर्क से मतलब रिलायंस को कॉल करते हैं. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलायंस वाला जो जिसकी कॉल फ्री है वो उनको कॉल बैक करेगा. तो रिलायंस ने इसके लिए दो काम किए. एक तो काम किया कि जो पहले रिंगर का जो मतलब मिस कॉल का जो टाइमर था वो 40 सेकेंड था उसको हटा के उसने 25 सेकेंड कर दिया. तो जिसको देख के बाकी ऑपरेटर्स भी हैं जैसे एयरटेल आइडिया वगैरह उन्होंने भी मतलब उसको 25 कर दिया ताकि दोनों एक सेम पे रहें. अगर दोनों सेम पे नहीं रहेंगे तो जिसका कम होगा वो ज़्यादा मतलब बेनिफिट में रहेगा. और रिलायंस ने ट्राई से रिक्वेस्ट किया है कि इसको मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि रिंगर का जो टाइमर है वो 20 सेकंड ही रहे. तो इससे एक्सपेक्ट है कि मतलब जैसे ये टाइम कम होगा तो रिलायंस का उतना ही बेनिफिट होगा, उसका मिस कॉल का जो वॉल्यूम है कम होगा. सेकंड जो रिलायंस ने किया है कि उसने अब पहले वो कॉल पर चार्ज नहीं कर रहा था पर अब वो कह रहा है कि रिलायंस टू रिलायंस कॉल तो जैसे पहले थी मतलब फ्री रहेंगी आपको पर अगर रिलायंस से आप किसी और नेटवर्क में कॉल करते हैं तो आपको पर मिनट मतलब 6 पैसे देने पड़ेंगे. तो जैसे हम देख रहे थे कि मतलब रिलायंस को डेली की 25-30 करोड़ कॉल मिस कॉल आती हैं. तो अगर हम एवरेज मान के चलें कि हर एक कॉल 1 मिनट की भी रहती है राइट तो इससे रिलायंस का जो लॉस में जो कमी होगी सो दैट विल बी 1.5 करोड़
डीली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा कि मतलब कैसे टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या चीजें, नई चीजें हो रही हैं, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी, क्योंकि मतलब रिलायंस ऑल्दो ये सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, पर ये मतलब बहुत बड़े लॉस में भी है, और जो बाकी जो जितने भी हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल आइडिया वगैरह, ये मतलब काफ़ी पीछे जा चुके हैं, पर मतलब ये इनके पास भी कुछ मतलब अभी भी एडवांटेजेस हैं जो रिलायंस को कैच कर पा रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसी के साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले बार नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।